तो की हाल चाल टेक क्रिटिक फैमिली, होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, अब काफ़ी जल्दी हम लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए हर वीडियो के बाद, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ उस चीज़ को। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं T800 Ultra और S9 Ultra का कंपेरिजन। ये सिमिलर अप्रॉक्स सिमिलर रेंज की ये वॉचेज है, 1000 रुपये के आसपास की ये वॉच हैं दोनों, और दोनों का कंपैरिजन मैं फाइनली आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कंपैरिजन की, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है सिमिलर प्राइस के होने के बावजूद। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ T800 Ultra को। खोलते ही सबसे ऊपर इसका यूजर मैनुअल मिल जाता है। ब्लैक कलर का वेरियंट हम लोगों ने लिया था, तो एक ओशन लूप ब्लैक कलर का बैंड प्लस एक 45mm का केस मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को वायरलेस USB A2 वायरलेस इसका चार्जर मिलेगा, नीचे कुछ भी नहीं है ट्रे के। तो इसको हम करते हैं साइड में। सिमिलरली S9 Ultra की बात करें तो बॉक्स के ऊपर S9 Ultra की ब्रांडिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी गई है, ज़्यादा तस्वीरें ज़्यादा हैं डिटेल कम। छोटा सा यूज़र मैनुअल है, ऑरेंज कलर की वॉच थी तो ऑरेंज कलर का ओशन लूप ब्रांड, और एक 49mm का हम लोगों को केस डायल मिलेगा। सिमिलरली USB A2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है इसके अंदर भी, नीचे कुछ नहीं है। तो इसको करते हैं साइड में और दोनों को पूरा लगाते हैं और फिर आपको दिखाते। तो बेसिकली ऐसा कुछ इसका दोनों का फर्स्ट व्यू निकल के आ रहा है, जिसमें फर्स्ट व्यू में तो कंपैरिजन में प्योर विनर आपकी S9 Ultra बन रही है। रीजन इज सेम प्राइस के अंदर ये 49mm का दे रही है आपको डायल, और बैक की तरफ देखें तो बैक में आपको स्क्रूज एंड लॉक भी मिल जाएगा इसके अंदर S9 Ultra के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ आपको स्क्रू का पैटर्न मिलेगा, सिर्फ प्रिंट मिलेगा और कुछ नहीं। सेरेमिक शीट है दोनों में पीछे। साइड की तरफ बात करें दोनों का सेम अल्ट्रा जैसे है, इसका थोड़ा सा छोटा है इसका बड़ा है, क्योंकि 49mm है इसलिए इसमें थोड़ा ऑब्वियसली बड़ा होना बनता था। लेफ्ट साइड की बात करें दोनों के अंदर आपको एक्शन बटन और स्पीकर ग्रिल मिल जाएंगे। इसका एक्शन बटन भी प्लास्टिक का है बट थोड़ा शाइनिंग में है, और इसका एक्शन बटन भी प्लास्टिक में है जो कि थोड़ा डल है। तो बात करें फ्रंट की तो ये ऑन है, हम इसको भी ऑन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोनों के डिस्प्ले में कितना डिफरेंस है। डिस्प्ले में तो क्लियर विनर आपकी S9 Ultra बनती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले है। हालांकि इसकी भी वाइब्रेंट है बट कंपैरेटिवली थोड़ी डल है, और थोड़ी पिक्सेलेशन है इसके डिस्प्ले में बट इसमें नहीं है। दोनों के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है इस रेंज में मिलना। बात करें इसके यूज़र एक्सपीरियंस की तो हल्का सा लैग हमें T800 Ultra में देखने मिलेगा, S9 Ultra में हमें बिल्कुल लैग नहीं देखने को मिलता। तो बात करें इसके स्क्रॉल बटन की तो S9 के अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है स्क्रॉल बटन, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग रही है जिसकी वजह से, क्योंकि कंप्लीट डिस्प्ले है और 49mm में है। सिमिलरली T800 Ultra की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रॉल के अंदर काफ़ी साउंड है, हालांकि दोनों के स्क्रॉल बटन से ही आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं बट इसमें आपको थोड़ा नॉइजी मिलेगा। सिमिलर नीचे बटन है स्क्रीन ऑफ के लिए। लेफ्ट साइड पे एक्शन बटन हम यूज करके देखते हैं तो दोनों का एक्शन बटन सिमिलरली काम करता है, सेम ही दोनों के अंदर आपको एक्शन मोड मिल जाएंगे, 10+ एक्शन मोड दोनों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बात करें मेन्यू स्टाइल की तो दोनों के मेन्यू स्टाइल 6-6 तरह के मेन्यू स्टाइल है। सिमिलरली इसमें भी आपको वही मेन्यू स्टाइल मिल जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कोई ज़्यादा बड़ा चेंज इसके अंदर है नहीं, हाँ इसके बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से ये एक दूसरे को बहुत अलग बनाती हैं दिखने में, बट सॉफ्टवेयर सिमिलर है। आप देखेंगे ऊपर डायलर, फोन बुक, हर्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, देन फेसबुक, इसके अंदर आपको ECG मिल जाएगा। हालांकि ECG इसकी कितना रिलायबल है इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, और आप लोगों को इस पे रिलाय करना भी नहीं चाहिए। ब्लड ऑक्सीजन मिल जाएगा, इस पर भी ब्लड ऑक्सीजन मिल जाएगा, हर्ट रेट एंड फर्दर स्पोर्ट्स मोड है, कैमरा कंट्रोल। मेन्यू स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं बस, बाकी सब कुछ सिमिलर है। इसमें आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, इसमें भी कैलकुलेटर मिल जाएगा, दोनों में कैलेंडर मिल जाएगा आपको। तो
काफी ज्यादा सिमिलर है, ये हाई वॉच की तरफ से आती है, ये फिटबिट की तरफ से देखने को मिलती है। दोनों एप्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों वॉचेस ही IP67 की रेटिंग सपोर्ट करती हैं। दैट मीन्स दोनों में हल्का फुल्का पानी और डस्ट में काम करेगी, आप बारिश में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वॉचेस के सॉफ्टवेयर क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि हार्डवेयर क्वालिटी में डिफरेंस है, टच में डिफरेंस है, लुक एंड फील में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका बिल्ड क्वालिटी S9 की काफी ज्यादा बेहतर है T800 अल्ट्रा के। तो इस कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा कि S9 अल्ट्रा ही क्लीन विनर रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक एंड फील एंड बिल्ड क्वालिटी। क्योंकि एक वॉच में 1000 के अंडर वॉचेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स भी ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता एक दूसरे से। बट हाँ, मेन जो मैटर करता है वो करता है इनका लुक एंड फील और बिल्ड क्वालिटी, कि आपके हाथ पे लगाने पे ये कैसी लग रही है। तो दोनों को हाथ पे लगाते हैं, बांधते हैं और चेक करते हैं दोनों कैरी करके कैसी दिखती हैं। बेसिकली ऐसा कुछ दोनों का लुक निकल के आ रहा है, जिसमें मैं क्लीनली कहूंगा कि यस, S9 अल्ट्रा इज लुकिंग मच बेटर। तो इनमें आपको सेम सिमिलर कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, 5 कलर दोनों में मिल जाएंगे, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज। बेसिकली ब्लैक कलर में आपको ब्लैक डायल मिलेगा और बाकी सब कलर्स में आपको शैम्पेन गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और हम लोगों की तरफ से तो S9 अल्ट्रा प्योर विनर है इसकी लुक एंड फील प्लस बिल्ड क्वालिटी की वजह से। बाकी आप लोगों को दोनों में से कैसी वॉच लगी और कौन सी आप लोगों को अच्छी लगी, या कोई आप इनमें से यूज करते हैं तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम लोग इसी टाइप की वीडियो लाते रहें, आप लोगों के लिए बनाते रहें।